पूर्णिया शहर के सदर थाना क्षेत्र के चौहान टोला खुक्सीबाग निवासी जमीन कारोबारी संपत पासवान की हत्या की जांच जारी है। इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए भागलपुर से फोरेंसिक विभाग की टीम भी आज सुबह रामबाग के सरना चौक के समीप स्थित साधु टोला के उस निर्माणाधीन मकान में पहुंची जहां से संपत पासवान का शव जमीन के नीचे से बरामद हुआ था। घटनास्थल से फोरेंसिक विभाग की टीम ने शराब की बोतल, मिट्टी एवं कमरे के भीतर मौजूद कई सबूतों को जब्त किया है। इन्हें फोरेंसिक लैब में जांच के लिए ले जाया गया है। इसके साथ साथ कई और सबूतों को भी खंगाला गया है। माना जा रहा है कि इन सबूतों से जांच करने में कई अहम सुराग मिल सकते हैं और इसके बाद ही जांच की दिशा तय हो पाएगी। फोरेंसिक विभाग ने यह सारी कार्रवाई संपत पासवान के परिजन की मौजूदगी में की है। बताया जा रहा है कि फोरेंसिक टीम ने उस रात की घटना को रिक्रिएट करके भी देखा है। फोरेंसिक टीम ये भी जांच कर रही है कि घटना की रात महिला के अलावा और कौन कौन लोग घटनास्थल पर मौजूद थे और जमीन खुदाई कर शव को दफन करने में किसने महिला का साथ दिया। बता दें कि बीते 16 दिसंबर गुरुवार को संपत पासवान का शव निर्माणाधीन मकान के एक कमरे के मिट्टी के नीचे दफन किया हुआ मिला था। हत्या में संलिप्त एक महिला आशा देवी उर्फ सिया देवी के बयान के आधार पर पुलिस ने शव को बरामद किया था और उक्त महिला को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अभी एफएसएल की टीम आई है, भागलपुर से आई है। वो जो यहाँ पर घटनाएं घटी है उसके संबंध में वो अपना छानबीन अपने स्तर से वो कर रही है। सैंपल वगैरह भी सर लेके? हाँ, सैंपल वगैरह सर भी लिया गया है जी। उसके बाद ही फिर वो अपना और रिजल्ट देंगे वो। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।